अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब के अंदर अगर आप आए हो, गैर मुल्की हो और लेबर के काम पर आए हो, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 6 अक्टूबर 2024 से एक नया नियम सऊदी हुकूमत की तरफ से लागू कर दिया गया है और अभी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ये खबर भी वायरल हो रही है। इसके बारे में हम मुकम्मल जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। मतलब यही है कि हम आपको एक ऐसी जानकारी अभी बताएंगे जिससे लेबर तो खुश ही होंगे, जितने भी बाकी प्रोफेशन वाले हैं वो भी काफी हद तक खुश होंगे। इसका मतलब यही है कि अगर आप सऊदी अरब में किसी भी देश से आए हो, तो ऐसे में आपके लिए एक गुड न्यूज सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब में आए हो, तो एक बड़ी खुशखबरी अभी अभी आई है जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, तो यहाँ पर सबके लिए ये नियम लागू किया गया है। यहाँ पर नियम यह है कि सऊदी हुकूमत ने और सऊदी में जो इंश्योरेंस रूल्स हैं उसमें बदलाव किया गया है। पहले इंश्योरेंस का कोई भी खास फायदा नहीं मिलता था, लेकिन अब सऊदी में अगर किसी भी कपिल के पास में या कंपनी के पास में आप काम कर रहे हो, तो ऐसे में अब इस इंश्योरेंस का फायदा आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पर सैलरी को लेकर मान सकते हो, इंश्योरेंस को लेकर मान सकते हो और भी बहुत सारी फायदा इससे आपको मिलने वाला है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी तक सऊदी हुकूमत ने जो आपका हरूफ का सिस्टम है वो खत्म कर दिया है। मतलब यही है कि अगर सऊदी अरब में आए हो और आप जो है किसी भी तरह से आपको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है या भगा या भागने का मतलब कुछ केस ऐसा लिख दिया है, तो वहां पर क्या है कि आपको अब 60 दिन का टाइम दिया जाएगा। 60 दिन के अंदर आपको अपना एक कपिल ढूंढना होगा या आप मकतब अमल में जाकर अपना फाइनल एग्जिट भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है लेकिन वाला, कि अगर बाई चांस गलती से आपने 60 दिन क्रॉस कर दिए तो आप क्या कर सकते हो? पहली बात, अगर गलती से हुआ है या किसी भी तरह से हुआ है, 60 दिन क्रॉस हुआ है, 60 दिन आपने गंवा दिए हैं, पहला मौका आपने गंवा दिया है, तो अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आप गंवा चुके हो, 60 दिन से ज्यादा टाइम हो गया है, 2, 4, 10 दिन, तो ऐसे में आप एक बार रिक्वेस्ट दे सकते हो जवाजात को, मकतब अमल को, मतलब जो वहां पर सिस्टम है, जो कस्टमर केयर है, उनसे आप बात कर सकते हो या जाकर फेस टू फेस बात कर सकते हो कि हमें इसके बारे में पता नहीं था। अगर आप ऐसा बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको दोबारा मौका दिया जाए 60 दिन तक, यानी 60 दिन दोबारा मौका दिया जा सकता है। कुछ ही लोगों के साथ ऐसा हुआ है, अभी तक कंफर्म इसकी डिटेल नहीं आई है। लेकिन अगर आपका 60 दिन से कम है तो आप घर भी जा सकते हो। आप अपना जो कपिल है वो तो ट्रांसफर, भाई ये बात सच है कि आप नहीं कर सकते हो। दोस्तों ये सिर्फ अफवाह समझ लीजिए या कुछ समझ लीजिए, लेकिन ट्रांसफर करने के लिए आपको एक परमिशन की जरूरत होगी। और यहाँ पर एक बात और है कि अगर हुरूफ के टाइम है तो हुरूफ के टाइम आपका परमिशन है, इसमें कंपनी कपिल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर आपको लगता होगा दो बात, लेकिन हम आपको बता दें कि इसके बारे में हमने एक पहले पूरा वीडियो बनाया है, क्योंकि कंफ्यूजन वाला वीडियो मान सकते हो इसका। इसका रीजन यही है क्योंकि कुछ कंडीशन में आप जो है अपना कपिल चेंज कर सकते हो। एक दो कंडीशन में आपको बता देते हैं, जैसे कि अगर आपको सैलरी नहीं मिलती, आपका एकामा नहीं रिन्यूअल किया गया है, या इसी तरह से आप जो है दूसरे कपिल के पास से आए हो तनाजल लेकर, फिर आपको तनाजल नहीं दिया रहा है, तो ऐसे में आप मकतब अमल में जाकर रिपोर्ट दे सकते हो कि हमें तनाजल क्यों नहीं दिया जा रहा है। मतलब तनाजल के बदले आपको तनाजल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि आप जो है अगर लीगल तरीके से, सही तरीके से कोई भी काम करोगे तो आपका पूरा काम 100% हो जाएगा, परेशान कुछ भी आपको नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो 6 अक्टूबर 2024 की बात चल रही है, 6 अक्टूबर को कौन सा नया नियम लागू हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो
तो यहाँ पर बात यह है कि अगर आप किसी भी कंपनी कपिल के पास में काम करते हो तो ऐसे में पहले ये नहीं था, लेकिन अब लागू कर दिया गया है और जितने भी गैर मुल्की हैं उनका भी इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट के साथ यहाँ पर जो खास बात है वो आपको जानना चाहिए। यहाँ पर खास बात यह है कि अगर 6 महीने तक आपको सैलरी नहीं दी जाती है, 6 महीने, 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 महीने, और ऐसे में अगर आप जो है इसकी रिपोर्ट देते हो मकतब अमल में, जवाजात में या लेबर कोर्ट में, तो वहां से आपका एक सिस्टम के तहत आपका कपिल या आपकी कंपनी आपको सैलरी देती है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे कंडीशन बनते हैं जहां पर 6 महीने से ज्यादा लोगों को सैलरी नहीं दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो काम पर लगा देती है लेकिन 6 महीने, 8 महीने तक, 1 साल तक सैलरी नहीं देती है। तो ऐसे में अब यहाँ पर उनको बहुत सारा फायदा होने वाला है इस इंश्योरेंस से, क्योंकि अगर 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है, कंपनी दिवालिया घोषित कर देती है कि अब हमारे पास बैंक करप्ट या जो भी है, एक तरह से दिवालिया मान सकते हो, अगर वो घोषित कर देती है, बोल देती है हमारे पास पैसा नहीं है, तो उस इंश्योरेंस के जरिए जो बाकी की आपकी सैलरी है 6 महीने से ज्यादा वाली, चाहे वो 1 साल की हो, 2 साल की हो या 6 महीने से ऊपर की हो, तो वहां पर आपको पूरी सैलरी इंश्योरेंस की वजह से मिलेगा और इसके साथ आपको टिकट भी मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात मान सकते हो कि अगर अब सऊदी अरब में आप आते हो तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया है। 6 अक्टूबर से ये नियम लागू कर दिया गया है जितने भी गैर मुल्की हैं उनके लिए। इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब में हो तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि सऊदी अरब में लगातार रूल्स बदल रहे हैं और जो रूल्स बदल रहे हैं उसमें 180 दिन वाला रूल्स भी जल्द आने वाला है। जैसे ही उसमें अपडेट आती है तो हम अपडेट करेंगे और उसको लेकर काफी ज्यादा सवाल भी लोगों के मन में उठ रहे हैं कि अगर 6 महीने के बाद में ये नियम लागू किया जाता है तो ऐसे में क्या हम अपना कपिल बदल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दें कि 6 महीने के बाद अगर ये नियम लागू किया जाता है तो ऐसे में आप कंपनी टर्मिनेट कर सकती हो। कंपनी टर्मिनेट करने के पहले या बाद में आप दूसरी कंपनी अगर ज्वाइन करते हो और सामने वाली कंपनी बोलती है कि हम आपका तनाजा ले लेंगे, तो आप 100% अपना तनाजा ले सकते हो, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। पहले क्या था कि पहले बहुत सारे रीजन देना होता था, बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन वो सारे प्रश्न हटा दिए गए हैं। डायरेक्ट 6 महीने अगर एक जगह आप काम करोगे तो आप जो है बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड आपको पता है कि 3 महीने तक अगर काम नहीं करते हुए कुछ भी होता है तो प्रोबेशन पीरियड है। उस दौरान आपको कंपनी जो है एग्जिट देकर आपके घर भेज सकती है या आप जो है खुद अपना एग्जिट लगवा सकते हो, अपना मकतब अमल में जाकर रिपोर्ट देकर या कोई भी एजेंट के थ्रू भी ये काम करवा सकते हो। इसका मतलब यही है कि अब यहाँ पर सऊदी अरब में कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हो, हमने भी अपना नंबर अबाउट में दे दिया है। कोई भी किसी भी तरह प्रॉब्लम है तो हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। बाकी कुछ भी आपके सवाल हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।